नमस्कार दोस्तों, रेड बटन को टैप कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को टैप कर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। मेरा पहला ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक होगा जो कि दीवार से सटा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से, और मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट स्प्रिंग होगा जो वर्टिकली सस्पेंडेड होगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। अब जब हम मेरा पहला ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं दीवार की ओर और दूसरा ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं ज़मीन की ओर, तो हम देखते क्या है, रिजल्ट हमको मिलता क्या है। रिजल्ट हमको मिलता है कि हम देखते हैं कि जब हम फोर्स लगाएं तब जो बॉडी का शेप और साइज है वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा ब्लॉक है, जब हम इस पे हम फोर्स लगाएं तब ये ब्लॉक का साइज छोटा हो जाएगा, और इसी तरह जब हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो वह इलांगोटेड हो जाएगा, मतलब कि उसका लेंथ बढ़ जाएगा। और इसी फोर्स को जिस कारण से बॉडी का शेप में चेंज हुआ उस फोर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को दोनों बॉडी से रिमूव कर देते हैं तो इलास्टिसिटी के नियम के अनुसार जो बॉडी होता है अपने एक्चुअल शेप और साइज में आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम जनरली डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को बॉडी से हटा देते हैं तो बॉडी अपना एक्चुअल शेप और साइज में आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। और इसी तरह डिफॉर्मिंग फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्चुअली डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को। पहला होता है इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरा होता है नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स और नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स को जानने के लिए हम कंसिडर करेंगे दो स्प्रिंग को। जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला स्प्रिंग लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरा पहला स्प्रिंग है, और सेम साइज का मेरा दूसरा स्प्रिंग जो राइट हैंड साइड में है, सेम साइज का, बिल्कुल सेम साइज का, जो कि इस प्रकार है। सपोज हम पहला स्प्रिंग में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है उस पर हम कम फोर्स लगाएं, और इसी तरह जो मेरा राइट हैंड साइड में है उस पर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, रिजल्ट होता क्या है कि दोनों इलांगेटेड हो जाता है, दोनों का लेंथ में चेंज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कम इलांगेटेड होगा और राइट हैंड साइड में है वो ज़्यादा इलांगेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें कम फोर्स लगाए हैं और इसमें ज़्यादा फोर्स लगाए हैं। हम कई बार देखते हैं कि जिसमें हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं वह रीअगेन अपने एक्चुअल शेप और साइज में नहीं आ पाता है, जबकि जिस पे हम कम फोर्स लगाते हैं वो एक्चुअल शेप और साइज में आ जाता है। जैसे आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, आप एक स्प्रिंग को लेंगे और उस पे आप कम फोर्स लगाएं तो वह अपने एक्चुअल शेप और साइज में इजिली से आ जाता है, और जब आप स्प्रिंग पर ज़ोर से खींच देंगे, अपना पूरा बल लगा देंगे स्प्रिंग पर, तब हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग होगा वो अपना एक्चुअल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा। और इसी तरह हम जान लेते हैं उसके कैटेगरीज को, कौन है इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स और कौन है नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स। पहला जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है जो अपने एक्चुअल शेप और साइज को रिएगन कर लेता है
उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो मेरा राइट हैंड साइड में है उसको हम कहते हैं, जो कि अपना शेप और साइज को नहीं रीगेन कर पाता है, उसको हम कहते हैं नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स का मामला है, ये केवल कुछ नियमों पर लागू होता है। जैसे कि अगर कोई स्प्रिंग का, अगर उसके हम जितना खींचने का है उससे ज़्यादा हम अगर उसको खींच देते हैं तो अपना एक्चुअल शेप और साइज़ को नहीं ला पाता है। और जिसको हम लोग कहते हैं नॉन इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो कि जिसमें हम कम फोर्स लगाते हैं उसके मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स लगाते हैं, जो अपने एक्चुअल शेप और साइज़ को आसानी से ले लेता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।